पावन पर्व है और उसी उपलक्ष में आज का प्रतिवर्ष होने वाला ये संतों का समागम है। इसलिए अपन शिव तत्व पर कुछ समय के लिए विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। शिव क्या तत्व है? अभी सुन रहे थे, तेरी काया नगरी काशी रे अज आत्म शिव अविनाशी। क्यों धर्म नहीं? पहले ये समझना है सब किसे कहते हैं। कभी कभी अखबारों में पढ़ा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, अखबार में हेडलाइन आती है ना, दुर्घटना में फलाने की मृत्यु हुई, उनके शव का पोस्टमार्टम करके उनके शव को परिवार को सुपुर्द किया, सौंपा। हाँ, उनके शव को परिवार को सौंपा तो शव किसे कहते हैं? शरीर को। शव नाम किसका है? पंच भौतिक शरीर का। शव नाम पंच भौतिक शरीर का होने के कारण इनमें रहने वाले जीव चैतन्य आत्मा का नाम शिव है। सब नाम पंच भौतिक शरीर का होने के कारण इसमें रहने वाले चैतन्य जीव आत्मा का नाम शिव है। जैसे मारवाड़ में रहने वाले को मारवाड़ा कहते हैं, चाहे किसी समाज का, गुजरात में रहने वाले को गुजराती कहते हैं, कोई समाज का, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहते हैं, बिहार में रहने वालों को बिहारी कहते हैं। क्यों? गुजरात में रहते इसलिए गुजराती है, बिहार में रहते बिहार की उपाधि से बिहारी है, मारवाड़ में रहते मारवाड़ की उपाधि से मारवाड़ा है, पंजाब में रहते पंजाब की उपाधि से पंजाबी है। इसलिए इस पंच भौतिक शरीर सब में रहने से चैतन्य जीव आत्मा का नाम शिव है, क्योंकि ये ढांचा सब है, इसलिए इसमें रहने वाले का नाम शिव है। स्कंदोपनिषद में आता है, देहो देवालय प्रोक्त स जीव केवल शिव तज्जे दान निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्यत। देहो देवालय, देहो यानी शरीर, देवालय यानी मंदिर, देहो देवालय प्रोक्त इसमें स्थित से जीव है, केवल शिव है, इसमें स्थित रहने वाला जीव ही शिव है। तो इनकी वास्तविक पूजा क्या है? देहो देवालय प्रोक्त से जीव है केवल शिव है तज्जे दान निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्यत। मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप शिव कल्याण स्वरूप जो सब घट घट में बोल रहा है, सब घट घट में स्थित है, जिनकी सतात एन श्रुतम श्रोणादिदम जिग्रतिन व्याकरोति चे स्वाद अक्ष्वादु विज्ञानाति तत् प्रज्ञानम मुद्रियतम। जिनकी सत्ता से आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक गंध दुर्गंध का ज्ञान कर रहे हैं, या मुख से आवाज निकल रही है, जीव स्वादों को समझ चक रही है, शरीर की हिलन चलन क्रिया व्यवस्था बनी हुई है, जिन सत्ता का विच्छेद होने पर ये शरीर एकदम जड़ हो जाता है, उस चैतन्य सत्ता का नाम ही शिव है। और उस शिव के व्यापक शुद्ध चैतन्य स्वरूप का नाम ही परमात्मा है, इसलिए शिव कल्याण स्वरूप है। इसलिए कहा है ये है शिव। आज की स्थिति यह है, वास्तविक शिव है ना, उनसे तो अनजान है,
ठीक है, मंदिरों के शिव जो है त्रिशूलधारी डमरूधारी बागंबर पर महादेव जी का फोटो, या फिर कोई गोल पत्र को शिवलिंग पिंड बनाए है, ये जो है ये कनिष्ठ श्रेणी के लोगों के एक आस्था का केंद्र है। शास्त्र कहते उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावुस्तु मध्यम स्तुति जपो अधमो भावो बहिर पूजा अधमा अधम। देखो चार श्रेणियां होती है, एक तो फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला, एक सेकंड ग्रेड में और एक थर्ड ग्रेड में, चौथो एक और जो न तो फेल मर न पास में जिमने कह सुप्लीमेंट्री है, जो न तो फेल में न पास में उन्हें कह सुप्लीमेंट्री। चौथा नंबर का जो है ना सुप्लीमेंट्री वाला वहां के लिए है। देखो पशु तो पशु ही है, सर्कस का भी पशु ही रहे और जंगल का भी पशु ही रहे, मगर सर्कस में रहने वाले पशुओं का उजाड़पना मिटा रहता है। है तो पशु ही मगर उनका उजाड़पना मिटा रहता है। वो इतने पड़े होते हैं, इतने समझदार होते हैं, उनको कहने कि यहाँ खड़ा रह जाए, बिना रस्सी के रह जाता, कह देना उनको यहाँ बैठ जा, बैठ जाता, कहने उनको ये कर, वैसे वैसे करने लग जाता, चरने लग, बोलने लग, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उनका उजाड़पना खत्म है, इसलिए उनके रस्सी की जरूरत भी नहीं है। और जंगल का जो पशु है ना, कोई बोधी पातली ऋषि बांध दे तो तार ने तुड़ा दिया, है तो दोनों पशु मगर एक का उजाड़पना खत्म, इसलिए रस्सी की जरूरत नहीं, एक के अंदर उजाड़पना है इसलिए खूंटे की रस्सी की जरूरत है। ये चौथी ग्रेड वाला है जिसके अंदर उजाड़पनो है, बहुत जबरदस्त है। महाकनिष्ठ जो है, अदम जो है, जो कर्म धर्म या मानवता नीति आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति इनके विषय में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए ये मंदिर मूर्तियां खूंटा और रस्सी है। किसी तरह से महापुरुषों ने युक्ति निकाली है, बांध दो ताकि उजाड़ करने से तो बचे, बांध दो ताकि उजाड़ करने से तो बचे, वरना असली शिव तत्व जो है, क्योंकि पूरी सृष्टि का संसार के सभी ऋषि महर्षि मार पुरुषों का अनुसंधान केवल मात्र तीन बिंदुओं पर ही है। पेंगल उपनिषद में आता है, ए विचार कृत बंधो विचारान मोक्षो भवति तस्माद् सदा विचार्यत जग जीव परमात्मनो। तीन सब्जेक्ट पर सबका ज्ञान, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं और ये जगत क्या है। परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं और ये जगत क्या है, इस तीन ही विषयों पर, तीन ही सब्जेक्ट, तीन ही बिंदुओं पर विश्व के सारे महापुरुषों का अनुसंधान और चिंतन है। मगर अपन वास्तविक शिव तत्व को क्यों नहीं पहचान रहे कि हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है, यानी शरीर तक ही सीमित है, स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है। देखो घड़ी का पार्ट्स जो रहे ना, बारीक रहे छोटा, तो छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए औजार भी छोटे चाहिए। कलवारिया की संडासियों पकड़ ले तो है कर देना घड़ी का सामान को सत्यानाश है। इसलिए बड़ी चीजों को पकड़ने के लिए संडासी है, इसलिए अपनी स्थूल बुद्धि है, इसलिए स्थूल शरीर है, इस पंच भौतिक देह तक ही पहुंचने में सक्षम है।
सूक्ष्म शरीर तक भी पहुंचने में सक्षम नहीं अपनी बुद्धि तो कारण शरीर